नेमावर में हुए हत्याकांड को लेकर बुधवार के दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष जघन्य हत्याकांड को लेकर नेमावर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चार घंटे तक इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बात को समझा, इसके बाद लोगों द्वारा चक्का जाम खोला गया। 13 मई से लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की रिपोर्ट नेमावर थाने में दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद पुलिस के ढुलमुल रवैयों को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह तोमर ने परिवार के सभी सदस्यों को ढूंढने को लेकर पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तकनीकी आधार पर जानकारी ली जा रही थी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। उसको जो है कलंकित किया है, ऐसे जो थाना प्रभारी के साथ आप पुलिस के साथ वो अपराधी घूम रहा था, सरेआम घूम रहा था। लेकिन मैंने आपसे भी चर्चा हुई थी, हमने कहा एसपी साहब इसको आप गिरफ्तार कर लो, मुझे लगता है इसने हत्या कर दी, ऐसी आपसे बात चर्चा हुई थी मेरी। लेकिन उस समय सब लोगों ने गंभीरता ध्यान दिया, क्योंकि उसको आशीष शर्मा स्थानीय विधायक का जो है उसको समर्थन आप लोगों था, यहाँ थाना प्रभारी महोदय उसके उसमें दबाव में शायद भर काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे जो लग रहा है। तो आशीष शर्मा के ऊपर भी ये प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उसको भी सहारोपी बनाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हो रही कि जब तक यहाँ हमारे क्या बोलते हैं अपर कलेक्टर हो, एडीएम साहब या कलेक्टर साहब यहाँ आके हमें लिखित में आश्वासन नहीं देंगे, हम लोग नहीं। बाकी और सर आपको बिल्कुल छूट देता हूँ, अगर आप लोग गोली चलाना चाहो, लठ चलाना चाहो, जो भी करना चाहो सब कर लो, मैं सबके लिए तैयार हूँ और ये पूरे हमारे युवा टीम तैयार है। आप कुछ नहीं बोले, हम लेट जाएंगे आपको जो भी मारो ना डायरेक्ट। अरे रुक तो, बल्कि जो भी प्रशासन पे इस बात का दबाव बनाया कि एक केस की जांच बंद कर दी जाए, जी जी वो ऑन रिकॉर्ड है यहाँ पे जी। वो कौन लोग थे जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया जी? वो पत्रकार बेचारा जो हर दिन इस घटनाक्रम को दिखा रहा था जी जी, उस पे FIR लॉन्च कराने की कोशिश की गई राजनीतिक दबाव जी जी। उसका प्रूफ मिले ना मिले, उसका तो मिलेगा नहीं जी। लेकिन वो ज्ञापन जरूर यहाँ होगा पुलिस के पास जी, कि उन लोगों ने दबाव डाला प्रशासन पे कि आप जांच क्यों कर रहे हैं, बंद करिए, इस केस में दम नहीं है जी जी। वो लोग अपराधियों के पीछे हैं जी, ऐसी ताकतें ही अपराधियों को मानसिक बल देती हैं जिससे इस तरह के अपराध में सहायता मिलती है जी। एक चीज ये बिंदु आवश्यक है क्योंकि हम वहाँ भी बात करेंगे जी। दूसरा, अभी SP साहब ने इनसे क्या वादा किया, 8.5 लाख 8.5 लाख जी, मैं नहीं बोला है हाँ, हाँ, पर व्यक्ति को तो तुरंत अभी मैं भेज दूंगा, एडिशनल SP सिटी से बात हो गई तो DO जो है वो कल इनके खाते में 5 लोगों जी, 5 लोगों ठीक है। मुख्यमंत्री हमारी अलग मांग करेंगे, हम अलग भेज देंगे भाई, 1 करोड़ रुपया परिवार को दो जी जी। एक को शासकीय नौकरी जो जी जी हाँ ये आप करवा लो 8.5 लाख वाला, आगे हम हमारे ढंग से CM से लड़ते रहेंगे जी जी। पर ये बिंदु आवश्यक है, देखो एक बार यहाँ पे वो ज्ञापन भी दे के गए वो लोग कि जांच बंद करी जाए, क्यों जांच कर रहे हैं, ज्ञापन की कॉपी भी होगी, वो तो उन तत्वों को जांच में शामिल करना पड़ेगा जी। ये तो ये क्या पवित्र धरती है नेमावर, विद्यासागर जी महाराज का आश्रम है, नर्मदा का पवित्र किनारा है और सबसे ज़्यादा अपराध इसी धरती पे अतताई लोग कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बिल्कुल शामिल कर लेंगे है ना जी। एक लम्हा 8.5 लाख आप करा दोगे, हम जी CM से बात कर लेंगे। भैया शिवराज ने बोला था 10 फीट गाड़ दूंगा, तो ये अपराधियों ने गाड़। अरे इनसे अधिकारी, इनको थोड़ी अपनी भाषण का मुद्दा ठीक पिटू की रहे यार, थोड़े जाके 17 मई को भारती नामक आवेदिका ने आकर बताया कि 13 मई से उनकी मम्मी और उनकी बहनें और उनकी कजिन सिस्टर और जो भाई हैं वो गायब हैं नेमावर बस स्टैंड से, किराए से रहते थे। इस पर हमने तत्काल कई टीमें बनाकर इसकी खोजबीन की थी। संपूर्ण जांच में यह तथ्य आया कि जो नेमावर का रहने वाला सुरेंद्र राजपूत नाम का लड़का था, उसका जो रूपाली नाम की लड़की थी उससे प्रेम प्रसंग चलता था, और जब सुरेंद्र की शादी किसी अन्य उसके समाज की लड़की से होने लगी तो यह लड़की इंस्टाग्राम में उसके जो मंगेतर है उसके खिलाफ कुछ गलत पोस्ट डाल दी, जिससे यह क्षुब्ध हो गया और सुरेंद्र राजपूत अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और 5 लोगों को अपने खेत में गड्ढे के नीचे छुपा दिया था। एक और इसका जो मित्र था राकेश
खंडवा का रहने वाला, उसको इसने मृतका रूपाली का मोबाइल दे दिया था और जो बार बार कई लोकेशनों से उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जाते थे और पुलिस की टीमें बनाकर हम रूपाली समझकर उसको ढूंढते थे। इस तरह यह सुरेंद्र राजपूत बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति निकला और इस घटना का हमने फिर पटाक्षेप किया। सर, इससे पूर्व में कोई अपराध दर्ज यहाँ पे थाने में सर? सुरेंद्र राजपूत का भी जो हमने VCNB देखी है उसमें कोई अपराध दर्ज नहीं है। सर, पूरा मामला सर 49 दिन तक सर पुलिस सुराग लगाती रही, पता हाथ नहीं लगी, नाकामी रही सर पुलिस की, और उसके बाद में भी सर अभी पूरा आरोपी सर गिरफ्तार नहीं हुए, चक्का जाम किया सर आदिवासी समुदाय ने, सर इसको लेकर क्या कहना सर आपका? इसमें पुलिस ने इतनी अच्छी विवेचना की है क्योंकि 5 लोग गुम हुए थे और वो एक दलित परिवार के थे, तो हमने ये इसको एक पुलिस टीम भी अनुभागीय अधिकारी की उसमें बनाया था और इसमें हमने बहुत तकनीकी साक्ष्य और कई जिलों का भी हमने सहयोग लिया और कई बार टीमें, चूँकि जो रूपाली नामक लड़की थी उसका मोबाइल चालू था, हमको ये था कि हाँ ये जो 5ों लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा हैं और हमारा ये उद्देश्य था कि इनको पकड़ कर लाएं, क्योंकि आरोपी सुरेंद्र राजपूत इतना शातिर था कि उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था और मोबाइल अपने दोस्त को देकर हमको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और हम अथक परिश्रम भी कर रहे थे और इसलिए हमको ये सफलता मिली। देखते रह गया हम तो कहाँ सर, उधर से कट मार रोल सर, अभी मामला जो हुआ है इसमें अभी क्या चाह रहे हैं अपन, कांग्रेस ने क्या मुद्दे रखे हैं उनके सामने, क्या मांगे रखे हैं? मेरा तो 2 शब्द हैं, नर्मदा नदी का पवित्र किनारा, नेमावर की पवित्र धरती जहाँ नर्मदा मैया सफ़र करती है, जहाँ जैन समाज के संत विद्यासागर जी महाराज का अपना मठ है, आश्रम है, जहाँ अहिंसा परमो धर्म का नारा लगता है, उस नेमावर को अपराध का अड्डा बना दिया शिवराज की सरकार के नाक के नीचे, शिवराज का क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ भी कल एक दलित की हत्या हुई छिद गाँव में, 5 जगन हत्या, पता नहीं क्या क्या अपराध उन बच्चियों के साथ किया।